दोस्तों भारत में वैसे तो कई ऐसे राजाओं द्वारा बनाए गए किले हैं जो कोई ना कोई कहानी अपने अंदर समेटे हुए हैं। इन किलों को भारत की शान कहा तो जाता है, लेकिन यहाँ की कुछ ऐसी रहस्यमय बातें भी हैं जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आज हम आपको भारत के कुछ ऐसे ही किलों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ राजा ने खुद ही अपनी रानी का सिर काट दिया था। दोस्तों इस किले के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट कि आज की वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, ऐसे में आप इस वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये काम भी फटाफट कर ही लीजिए। दोस्तों जानकारी के मुताबिक ये किला मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। इस किले के बारे में कहा जाता है कि यहाँ शासन कर रहे राजा ने खुद ही अपनी रानी का सिर काट दिया था। इसके पीछे की कहानी बहुत ही हैरान करने वाली है। इस किले का नाम रायसेन फोर्ट यानी रायसेन का किला है। इस किले को सन 1200 ईस्वी में पहाड़ी की चोटी पे बनाया गया था। इस किले का शानदार इतिहास रहा है, यहाँ राजाओं ने शासन किया है। इस किले पर जीत हासिल करने में पसीने छूट जाते थे। कहते हैं कि 4 महीने के घेराबंदी के बाद भी इस किले को नहीं जीत पाया था। जब इस किले को जीतने का प्रयास किया जा रहा था तब उस समय राजा पूरनमल का शासन था। जब उनको पता चला कि उनके साथ धोखा हुआ है तो उन्होंने अपनी पत्नी रानी रत्नावली को बचाने के लिए उनका सिर खुद ही काट दिया था। इस किले से जुड़ी एक रहस्यमय कहानी भी है। कहते हैं कि यहाँ के राजा राजसेन के पास एक ऐसा पत्थर था जो लोहे को भी सोना बना सकता था। इस रहस्यमय पत्थर के लिए कई युद्ध भी हुए, लेकिन राजा हार गए तो उन्होंने उस पत्थर को किले के ही एक तालाब में फेंक दिया। इस पत्थर को कई लोगों ने खोजने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो सके। कहते हैं कि इस पत्थर की हिफाजत एक जिन करता है। भारत को अपने इतिहास के लिए जाना जाता है जिसमें पर्यटक किले और महल देखने के लिए आते हैं, लेकिन जरा सोचिए कि कुछ 50-60 लोगों का समूह किसी जगह को देखने के लिए आए और अचानक वहां से गायब हो जाए तो क्या हो। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ था उत्तर प्रदेश के झांसी से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गढ़ कुंडार किला में, जो कि अपने आप में एक रहस्य है। तो चलिए जानते हैं इस रहस्यमय किले के बारे में। 11वीं सदी में बना यह किला 5 मंजिला है, जिसमें 3 मंजिल तो ऊपर है जबकि 2 मंजिल जमीन के नीचे है। हालांकि ये किला कब बना और किसने बनवाया इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि ये किला 1500 से 2000 साल पुराना है। यहाँ चंदेलों, बुंदेलों और खंगार जैसे कई शासकों का शासन रहा। यह किला सुरक्षा की दृष्टि से बनवाया गया एक ऐसा बेजोड़ नमूना है जो लोगों को भ्रमित कर देता है। किला इस तरह बनाया गया कि ये 4-5 किलोमीटर दूर से तो दिखता है, लेकिन नजदीक आते आते ये दिखना बंद हो जाता है। जिस रास्ते से किला दूर से दिखता है, अगर उसी रास्ते से आप आएंगे तो रास्ता किले की जगह कहीं और ही चला जाता है, जबकि किले के लिए दूसरा रास्ता है। गढ़ कुंडार के किले की गिनती भारत के सबसे रहस्यमय किले में होते हैं। आसपास के लोग बताते हैं कि काफी समय पहले यहाँ पास के ही एक गांव में बारात आई थी। बारात यहाँ किले में घूमने आई। घूमते घूमते वो लोग तलघर में चले गए, जिसके बाद वो रहस्यमय तरीके से अचानक गायब हो गए। उन 50-60 लोगों का आज तक पता नहीं चल सका। इसके बाद भी कुछ इस तरह की घटनाएं हुई, जिसके बाद इस किले के नीचे जाने वाले सभी दरवाजों को बंद कर दिया गया। ये किला किसी भूल भुलैया की तरह है। अगर जानकारी न हो तो इसमें अधिक अंदर जाने पर कोई भी दिशा भूल सकता है। किले के अंदर अंधेरा रहने के कारण दिन में भी ये डरावना लगता है। कहते हैं कि किले में खजाने का रहस्य भी छुपा हुआ है, जिसे तलाशने के चक्कर में कई लोगों की जान चली गई है। इतिहास के जानकार बताते हैं कि यहाँ के राजाओं के पास सोने, हीरे, जवाहरातों की कोई कमी नहीं रही। यहाँ के खजाने को ढूंढने की कोशिश कई लोगों ने की, लेकिन वो नाकाम रहे। भारत में ऐसे बहुत सारे किले हैं जिनके बारे में अभी लोग नहीं जानते हैं। राजाओं के वक्त के किले जो आज भी लोगों के लिए रहस्यमय बने हुए हैं, वहीं कुछ ऐसे किले भी हैं जो किसी न किसी वजह से बहुत मशहूर हैं। जी हाँ, ऐसा ही एक किला है जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक ऐसा किला है जो कि काफी रहस्यमय है। लोगों का कहना है कि इस किले में किसी अज्ञात जगह पर अरबों का खजाना छुपा हुआ है, जिसे आज तक कोई भी खोज नहीं पाया है। ये किला सुजानपुर के किले के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा बताया गया है कि खजाना छुपा होने के कारण इस किले का नाम खजांची किला भी रखा गया है। इस किले को कटोच वंश के राजा अभय चंद ने 260 साल पहले यानी साल 1758 में बनवाया था। उसके बाद यहाँ राजा संसार चंद ने राज किया। कहा जाता है कि इस किले में आज भी राजा संसार चंद का खजाना मौजूद है, लेकिन आज तक इस रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया है और न ही कोई भी व्यक्ति खजाने तक पहुंच पाया है। ऐसा माना जाता है कि किले के अंदर ही एक 5 किलोमीटर की लंबी सुरंग है, लेकिन इस सुरंग के अंतिम छोर पर आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है। रास्ता तंग और अंधेरा होने के कारण इस सुरंग में 100 मीटर से ज्यादा अंदर जाने की कोई सोचता भी नहीं है और न ही किसी की हिम्मत होती है।
आसपास रहने वाले लोगों का ये भी कहना है कि रात में किले से अजीबोगरीब आवाजें आते हैं। उनका मानना है कि खजाने की रक्षा किले में मौजूद रूहानी ताकतें करती हैं, इसलिए इसका कोई पुख्ता सबूत किसी के पास नहीं है। कहा जाता है कि राजा संसार चंद इस किले का प्रयोग लूटे हुए खजाने को छुपाने के लिए करते थे। इसी के लिए उन्होंने किले में गुप्त सुरंग का निर्माण भी करवाया था, जिसका रास्ता सीधे खजाने तक जाकर खुलता था। यहाँ छिपे खजाने की खोज में मुगलों समेत कई राजा महाराजा और गांव के लोग किले में कई बार खुदाई कर चुके हैं। यहाँ तक कि वो उस रहस्यमयी सुरंग में जाने की कोशिश भी कर चुके हैं, लेकिन आज तक कहते हैं कि खजाने का रहस्य राजा संसार चंद के मरने के साथ ही दफन हो गया। यहाँ तक कि उनके परिवार के किसी भी सदस्य को भी वो खजाना नहीं मिल पाया। भारत में अभी भी कई ऐसे किले मौजूद हैं जो किसी न किसी कारण से प्रसिद्ध हैं। कुछ किले अपने रहस्य के लिए जाने जाते हैं तो कुछ अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे किले हैं जहां जाने से लोग डरते हैं और बहुत से ऐसे भी हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ऐसा ही एक किला बिहार के रोहतास जिले में भी है, जिसे शेरगढ़ का किला कहा जाता है। अफगान शासक शेरशाह सूरी के इस किले में भी सैकड़ों सुरंगे और तहखाने हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि इसके बारे में आज तक किसी को पता नहीं चला। इस किले की कई रहस्यमयी कहानियां हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। कैमूर की पहाड़ियों पर स्थित इस किले की संरचना अन्य किलों से बिल्कुल अलग है। इसे इस तरह से बनाया गया है कि कोई भी इस किले को बाहर से नहीं देख सकता है। किला तीन तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है, जबकि दुर्गावती नदी इसके एक तरफ बहती है। किले में प्रवेश करने के लिए एक सुरंग से होकर गुजरना पड़ता है। कहा जाता है कि अगर ये सुरंगें बंद हो जाती हैं तो किला किसी को दिखाई नहीं देगा। यहाँ बनाए गए सेलर्स के बारे में कहा जाता है जो इतने बड़े हैं कि इसमें 10,000 लोग एक साथ आ सकते हैं। ये किला शेरशाह सूरी ने अपने दुश्मनों से बचने के लिए बनवाया था। वो अपने परिवार और सैनिकों के साथ यहाँ रहता था। यहाँ उनके लिए सुरक्षा से लेकर हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध थीं। इस किले को इस तरह से बनाया गया है कि अगर दुश्मन हर दिशा में 10 किलोमीटर दूर रहे तो इसे स्पष्ट रूप से आते देखा जा सकता है। कहा जाता है कि इस किले में मुगलों ने शेरशाह सूरी, उसके परिवार और हजारों सैनिकों को मार डाला था। ये किला 1540 और 1545 के बीच बनाया गया था। यहाँ सैकड़ों सुरंगें बनाई गई थीं ताकि मुसीबत के समय उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। ऐसा कहा जाता है कि इन सुरंगों का रहस्य केवल शेरशाह सूरी और उसके विश्वस्त सैनिकों को पता था। इस किले से केवल एक सुरंग रोहतासगढ़ किले तक जाती है, लेकिन किसी को नहीं पता कि दूसरी सुरंग कहाँ जाती है। शेरशाह का बेशकीमती खजाना भी इस किले में छिपा है, लेकिन उसे आज तक कोई नहीं मिला। सुरंगों और तहखानों का नेटवर्क किले में इस तरह से फैला है कि लोग अब भी अंदर जाने से डरते हैं। आगरा का किला मूलतः एक ईंटों का किला था जो चौहान वंश के राजपूतों के पास था। इस किले का प्रथम विवरण 1080 ईस्वी में आता है, जब महमूद गजनवी की सेना ने इस पर कब्जा कर लिया था। पुरुषोत्तम नागेश ओक की किताब आगरे का लाल किला हिंदू भवन है में इसका जिक्र है। सिकंदर लोधी ने भी इस किले में कुछ दिन गुजारे थे। लोधी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। उसकी मृत्यु भी इसी किले में 1517 में हुई थी। इसके बाद उसके पुत्र इब्राहिम लोधी ने गद्दी संभाली। पानीपत के युद्ध के बाद यह किला मुगलों के हाथ में आ गया। यहाँ उन्हें अपार संपत्ति मिले। फिर इस किले में इब्राहिम के स्थान पर बाबर आया और उसने यहीं से अपने क्रूर शासन का संचालन किया। इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा है कि यह किला एक ईंटों का किला था जिसका नाम बादलगढ़ था। ये तब खस्ता हाल में था और तब अकबर ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। हिंदू शैली में बने किले में स्तंभों के बाद में तुर्क शैली में नक्काशी की गई। बाद में अकबर के पौत्र शाहजहां ने इसे अपने तरीके से रंग रूप दिया। उसने किले के निर्माण के समय राजपूताना समय की कई पुरानी इमारतों व भवनों को तुड़वा भी दिया था। चित्तौड़गढ़ का किला। ये किला राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ में भारत के सबसे पुराने और भव्य किले देखने को मिलेंगे। उन्हीं किलों में से एक चित्तौड़ का किला है। ये किला बेराज नदी के किनारे स्थित जमीन से लगभग 500 फुट ऊंचाई वाली एक पहाड़ी पर बना हुआ है। इसे पानी का किला भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ 84 पानी की जगह है। चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़ बूंदी रोड से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस किले में 7 दरवाजे हैं जिनके नाम हिंदू देवताओं के नाम पे पड़े हैं। प्रथम प्रवेश द्वार पैदल पोल के नाम से जाना जाता है, जिसके बाद भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोली पोल, लक्ष्मण पोल और अंत में राम पोल है, जो सन 1459 में बनवाया गया था। किले की पूर्वी दिशा में स्थित प्रवेश द्वार को सूरज पोल कहा जाता है। इस किले में कई सुंदर मंदिरों के साथ साथ रानी पद्मिनी और महाराणा कुंभा के शानदार महल हैं। हालांकि इस किले के कई हिस्से अब खंडहर में बदल चुके हैं। लगभग 700 एकड़ के क्षेत्र में फैला चित्तौड़गढ़ का ये किला राजपूत शौर्य के इतिहास में गौरवपूर्ण स्थान रखता है। ये किला 7वीं से 16वीं शताब्दी तक सत्ता का एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। इस किले पर 3 बार आक्रमण किए गए। पहला आक्रमण सन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, दूसरा सन 1535 में गुजरात के बहादुर शाह द्वारा,
तथा तीसरा सन 1567-68 में मुगल के द्वारा। सोनार किला राजस्थान में पहाड़ी दुर्ग, जल दुर्ग, वन दुर्ग और रेगिस्तानी दुर्ग के बेमिसाल उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसलमेर के किले को रेगिस्तानी दुर्ग कहते हैं। रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित यह दुनिया के सबसे बड़े किलों में से एक है। इसे रावल जायसवाल ने 1156 ईस्वी में बनवाया। सुबह सूर्य की अरुण चमकीली किरणें जब इस दुर्ग पे पड़ती हैं, तो बालू मिट्टी के रंग परावर्तन से ये किला पीले रंग से दमक उठता है। सोने से आभा देने के कारण इसे सोनार किला या गोल्डन फोर्ट भी कहा जाता है। इस दुर्ग की विशालता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इस दुर्ग के चारों ओर 99 गढ़ बने हुए हैं। इनमें से 92 गढ़ों का निर्माण 1633 से 1647 के बीच हुआ था। ये किला शहर से 76 किलोमीटर दूर त्रिकुटा पहाड़ी पर त्रिकोण आकार में बनाया गया है। किले में सबसे ज्यादा आकर्षण जैन मंदिर, रॉयल पैलेस और बड़े दरवाजे हैं। जैसलमेर रेगिस्तान का शहर है जो त्रिकुटा पहाड़ी, हवेलियों और झीलों के लिए प्रसिद्ध है। यही वो दुर्ग है जिसने 11वीं सदी से 18वीं सदी तक अनेकानेक उतार चढ़ाव देखते गौरी, खिलजी, फिरोज शाह तुगलक और ऐसे ही दूसरे मुगलों के भीषण हमलों को लगातार झेला है। कभी सिंधु, मिस्र, इराक, कंधार और मुल्तान आदि देशों का व्यापारिक कारवां देश के अन्य भागों को यहीं से जाता था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पे कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।